परेशानी है और ये करोड़ों रुपए के मकान है और यहाँ इतनी दरारें पड़ने लग गई हैं और ये हो गया। कहाँ पर? ऊपर की तरफ। और गवर्नमेंट एक बार तो चीज को बनाती है और दूसरी बार डाल दें, जब उनको पता, उनको प्लानिंग के तहत पता नहीं होता तो भैया जब चले यहाँ बिल्डोजर से तो सारा मकान हले आगे दरारी आ गए। कि दोस्तों मैं अभी भी सेक्टर 30 के बैक साइड में हूँ, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पार्ट है ये वाला, जो फरीदाबाद बाईपास रोड का हिस्सा है। ये देखिए सामने से सेक्टर 30 और वहाँ से सेक्टर 37 से होता हुआ ये ट्रैफिक जो आ रहा है, ये यहाँ पे ये रोड बन रही है। और जिस मैं रोड पर खड़ा हूँ ये बिल्कुल साइड वाला हिस्सा है। ये बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने दिखाया था ये बिल्कुल यहाँ के रेजिडेंट्स जो 30 सेक्टर है बिल्कुल उसके बैक साइड में जो ये रोड बन रही है, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये रोड बन रही है, तो ये साइड रोड बनेगी ये वाली। ये सेक्टर 30 है, जो सेक्टर 30 के रेजिडेंट हैं इनके बिल्कुल सामने से निकलेगा ये वाला। तो मैं इस रोड पे काफ़ी काम हो गया आज, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। जो वो सामने देखिए दूसरी तरफ भी काम चल रहा है उस तरफ, तो यहाँ पर ये रेजिडेंट्स कुछ बैठे भी यहाँ पर, तो मैं इनसे बात करता हूँ उनसे। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा कि आपके मकान के बिल्कुल पास आ गई रोड? पास आ गया भैया जब चले यहाँ बिल्डोजर से तो सारा मकान ही हले आगे। ऐसा क्या कुछ वो क्रैक आ गया क्या? हाँ, क्रैक आ गया ना वो आगे। कहाँ पर? छज्जे पे, छज्जे पे दिख रहा है, कह रहे हैं छज्जे पे क्रैक आ गया। अच्छा, वो नीचे की तरफ? ये नीचे की तरफ, ये आगे ऊपर वाले पे भी आ गया ना वो? हाँ, ऊपर वाले पे आ गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कह रहे हैं कुछ क्रैक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है यहाँ पर। अच्छा, ये इनका घर है यहाँ पर। ये कितना मकान नंबर है आपका? 523 सेक्टर 30। तो अब यहाँ पर इसके यहाँ पे कुछ फेंसिस वगैरह लग जाएंगी, कुछ जाली लग जाएगी यहाँ पे? अब पता ना बेटा, लगाएंगे ना लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तो सही, कोई तो कह रहा लगेगी, कोई कह रहा ना लगे, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो सही। चलिए मैं आपको अब आगे की तरफ लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि और कितना पास में है ये। आपका कौन सा मकान है यहाँ पर? मेरा मकान 526 नंबर। अच्छा अच्छा, तो आपको ये जो रोड आपके इतने पास आ गई है वाली, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इससे कुछ आपको परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी? परेशानी परेशानी है, और ये करोड़ों रुपए के मकान है और यहाँ इतनी नजदीक रोड बना दिया है, ये उधर दूसरी साइड में जगह भी है, सारी चीजें है। अच्छा, तो यहाँ पर और हमने बहुत अच्छा किया हुआ था, सारे फलदार पेड़ लगाए हुए थे और यहाँ पर बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ था, लेकिन अब रोड की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है और पूरे दिन धूल मिट्टी उड़ती है, बड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहता है। अच्छा, तो आगे आने टाइम में तो यहाँ से ट्रैफिक चलेगा काफी? ट्रैफिक चलेगा तो जब तो और ज्यादा दिक्कत आएगी, अभी इतनी दिक्कत आ रही है हमें, तो यहाँ मुश्किल होता है पीछे बैठना। कोई अधिकारी आते हैं तो कुछ बोलते हैं, बताते हैं इसके लिए आगे क्या करेंगे, फेंसिंग लगाएंगे क्या करेंगे? अधिकारी को किसी को, सब अलग अलग विभाग के हैं। बिजली वाला कहता है हमारे पास बिजली का काम है, नाली वाला कहता है हमारे पास नाली का काम है, सबके अपने अलग अलग काम है, तो किसी को पूरी जानकारी एक आदमी को होती नहीं। और दूसरा आप क्या कह रहे हो, अभी बिजली के खंभे भी यहाँ पर आएंगे इधर आगे? बिजली के खंभे गड्ढे खोद गए, यहाँ गड्ढे खोद गए, यहाँ पर गड्ढे खोद गए हैं, यहाँ से ये खंभा आ रहा है, ये जो खंभा सामने नजर आ रहा है, ठीक है, तो किसी वजह से काम यहाँ पर, ये ट्यूबवेल है इस वजह से रुक गया था। अच्छा अच्छा, वरना अभी कल यहाँ से ट्यूबवेल का कोठरा तोड़ा है। अच्छा, इन्होंने इसके बाद यहाँ से खम्भे ऐसे करके ये लेकर के जा रहे हैं, अब ये खम्भे आगे जाएंगे सिर्फ, क्योंकि वो वाली रोड अब सर्विस रोड बन रही है तो खम्भे इस तरफ आ जाएंगे। ये जब भी बिजली यहीं से दिक्कत होती थी, कभी ये बिजली यहाँ पर कोई तार टच हो जाता था या कोई बरसात में, तो उसी की चिंगारियां इतनी फैलती थी, जब यहाँ तो यहाँ खम्भे लगेंगे थे तो सारे में कभी भी किसी भी मकान में हादसा हो सकता है, इतने नजदीक है ये। आप तो आपको क्या लग रहा है, इससे आपको कुछ परेशानियां ज्यादा पड़ेंगी इससे? गवर्नमेंट की है, लेकिन परेशानी तो है ये, देखो अभी मकान दरारें पड़ने लग गई और ये हो गया। कहाँ पर? ऊपर की तरफ। और गवर्नमेंट एक बार तो चीज को बनाती है और दूसरी बार डाल दें, जब उनको पता, उनको प्लानिंग के तहत पता नहीं होता कि भाई ये चीजें बनानी है, अभी तो ट्यूबवेल की उसकी कंस्ट्रक्शन करी थी 2 साल पहले, अभी गिरा दिया, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी मटीरियल एंड मैन पावर, बस ये और कुछ नहीं है। खाम खा के लोगों को परेशान करना, वो खंभा
ना इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस है, जैसे अंकल जी कह रहे हैं कितनी ऐसी पार्किंग होती रहती है, अभी तो इतनी दूर है, जब इतने पास आ जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चिंता नहीं है, तो पावे अब पहुंच जाएगी तो मैं जाएगी। और रात में यहाँ पर जो तेज यहाँ पर लाइट हो रही थी, सब जगह फोन कर लिया, किसी ने फोन नहीं उठाया। फायर स्टेशन पर भी मैं गया, फायर स्टेशन पर यहाँ पर वहाँ भी गया, लेकिन कोई नहीं आया और ये जलती रही। और डर ये लगता है कि आग यहाँ घरों तक, घरों के पास है, वो सबसे बड़ी समस्या। अब ये और आ रहा है कि इसे यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई ऐसा ना हो कि किसी दिन इस तरह का हादसा हुआ कि कोठियों में आग लग जाएगी और फिर पता नहीं कोई बचेगा नहीं बचेगा। अब तो लोगों ने विचार बना लिया है कि भाई यहाँ से मकान बेचो और कहीं दूसरी जगह चलो। अब तो धीरे धीरे अब सोच रहे हैं क्या करें, जैसा भी जहाँ कहीं भी। ये देखिए दोस्तों, ये जो रोड अब आप देख पा रहे हैं, सामने पर मैं इसी रोड के ऊपर चल रहा हूँ और ये बिल्कुल जो सेक्टर 30 के रेजिडेंट्स हैं उनके जो ये प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, मकान है, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर तो सबसे कम डिस्टेंस है यहाँ पर से। अगर मैं आपको यहाँ साइड से दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल ही रोड के साथ वाला हिस्सा इनके बैक साइड में आ रहा है। मैं आपको इसी रोड पे साथ में आगे तक लेके जाता हूँ। हालांकि दिल्ली में मैंने देखे कई फ्लाईओवर्स के मकान बहुत साथ साथ हैं, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही साथ से नैरो होकर निकल रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा गैप मेंटेन हुआ है। रोड्स की जब कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया होगा तो उस समय इसके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो उस समय ये यहीं से रोड निकलती है। ये मैं आपको यहाँ तक तो रोड ही बन गई है और उसके ऊपर रोड बनने वाली है और इसके नीचे ये कच्चा हिस्सा है। मैं आपको थोड़ा आगे तक भी लेके जाता हूँ। ये देखिए ये साइड में जो सर्विस रोड है वो यहाँ तक हो जाएगी और ये आगे पेट्रोल पंप आ रहा है। मैंने आपको बताया था 7 पेट्रोल पंप पड़ते हैं इस रास्ते में, सबने स्टे ले लिया है, इसी कारण से काफी काम रुक गया है यहाँ पर। और ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी यहाँ तक हुई पड़ी है कंप्लीट और इसके आगे मिट्टी डाल दी गई है और वहाँ पर काम रोका गया है अभी। और आगे इसके आगे पेट्रोल पंप है, मैं आपको पेट्रोल पंप जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, ये साइड में रोड चल रही है जो। और धीरे धीरे लैंड फिलिंग हो जाएगी तो फिर इसके बाद, और जब पेट्रोल पंप के यहाँ से भी टोटल स्टे ओवर हो जाएगा, यहाँ से स्टे वेकेट हो जाएगा, तो फिर तब ये रोड का काम आगे बन पाएगा। तब तक ये काम अभी तक ऐसे रुका हुआ है। ये देखिए यहाँ पर रोड़ी जो आ गई है और इसके ऊपर अब तारकोल वाला काम होना है। और ये साइड में जो एक्सप्रेस वे रोड है उसकी सर्विस रोड वो अब इस तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ये मैं आपको जो सेक्टर 30 के बैक साइड का अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, आपको नई वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा से मिलूंगा और अपडेट दूंगा आपको। अभी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए मैं आपको दिन रात कहीं पर भी जाकर मैं आपके लिए ये अपडेट करता रहता हूँ। राकेश कोचर मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आज जैसे मैंने कुछ एक दो लोगों के वीडियोज़ भी लिए, जानकारी के लिए उनसे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।